बहुत दर्द होता है जब हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन हम नॉलेज दिखा नहीं पाते, जब हमने कंटेंट की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है फिर भी हम अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस समय, उस टाइम पर। उसी तकलीफ को, उसी दर्द को ख़त्म करने की वीडियो है। एक बार खाओ, जिंदगी भर के लिए इस प्रॉब्लम से दूर हो जाओ। आई हैव मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इवन CPU, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बट आई एम अनेबल टू रन इट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट दीज ऑल द पार्ट्स। It happens with all of us in our presentation when we don't know how to present the information. We have a lot of information, we have a lot of ideology, we have a lot of knowledge, but we are not able to present it correctly. So today in this video, I'm going to share with you the 5 amazing way. जब भी हम अपने presentation पे कोई board या फिर कोई projector को explain कर रहे होते हैं, तो हम कुछ common mistakes करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम कोई board explain कर रहे होते हैं, अपने उसी हाथ का इस्तेमाल करते हैं जिस हाथ से हम लिखते हैं। जैसे कि इस हाथ से मैं लिखता हूँ तो मैं ऐसे explain करूँगा। So guys, this is very important. You can see this. So इससे क्या होता है कि मेरा जो eye contact है, my eye contact is breaking, right? मेरा eye contact टूट जा रहा है आपसे, और आप कुछ पल बाद मेरी वीडियो को स्वाइप कर दोगे। इससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन होता है ऑडियंस से वो टूट जाता है। सो ऑलवेज यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर। अगर मैं इस हाथ से लिखता हूं तो मुझे इस हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए पॉइंट करने के लिए। जैसे यहां पे लेट मी राइट इट फर्स्ट। द टिप नंबर 1, यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर। ठीक है, आप अपने अपोजिट हैंड का इस्तेमाल करेंगे एक पॉइंटर के तौर पे। पॉइंटर मतलब जो पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल, आई राइट यूजिंग दिस हैंड, मैं इस हाथ का इस्तेमाल करता हूँ राइट हैंड का, तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इस हाथ से लिखा, तो कुछ ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि इसी हाथ से एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। जैसे यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर, तो इससे आई कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाती है। अंडरस्टूड? तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा प्रेजेंटेशन में, इससे आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? तो आपने इस हाथ का पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आपने लिख दिया, अब आप ऐसे बता रहे हो, यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर, यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर, तो इससे अच्छा पोस्चर बनता है बॉडी का। अंडरस्टूड? लेट मी टेल यू अनदर थिंग, अगर आपका हाथ ये है, इससे आप लिखते हो, लेफ्ट हैंड से लिखते हो राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इस हाथ से ऐसे से लिखना है और आपका राइट हैंड पॉइंटर बन जाएगा, राइट? योर राइट हैंड विल बी पॉइंटर, सो यू विल यूज योर राइट हैंड एज अ पॉइंटर, सो यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर देंगे। अंडरस्टूड गाइस? क्या समझ में आई बात आपको? चलो सेकंड टिप नंबर 2, द वेरी स्पेशल टिप, लार्ज टेक्स्ट साइज। जो आपका टेक्स्ट साइज होता है ना, वो बड़ा होना चाहिए। व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस व्हेन वी डू फर्स्ट टाइम बोर्डिंग, जब हम पहली बार बोर्डिंग कर रहे होते हैं, बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, तो बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं। जैसे हम कॉपी में लिखा करते हैं, सेम वही अक्षर उतार देते हैं, तो इससे ऑडियंस को विजिबल नहीं होता, ऑडियंस समझ नहीं पाती है। आपको पता हो कि बड़े जो प्रोफेशनल्स लोग हुआ करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखते हैं, वो एक ही शब्द लिखेंगे, पूरा बोर्ड भर देते हैं। इससे क्या होता है, माइंड में एक ही शब्द का जगह बनता है और बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों को समझ में आ जाती है। जैसे मैंने टिप्स लिखा, बड़ा लिख दिया, तो कोई प्रोफेशनल एक्सप्लेन करेगा तो ऐसे लिखेगा TIPS, टिप्स। समझ में आ रहा है? तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ के अंदर, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जितना बड़ा टेक्स्ट रखते हैं, जितने कम टेक्स्ट रखते हैं बोर्ड के अंदर, उतना प्रेजेंटेशन में इफेक्टिवनेस बनती है, उतना लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। गॉट द पॉइंट? तो ऑलवेज कीप लेस टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड। अपने स्लाइड पर आप PPT बना रहे हो तो उसमें कम से कम टेक्स्ट रखने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा टेक्स्ट भर देंगे तो पूरा बुक का चैप्टर लगेगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। समझ में आता है? ये आपका प्रेजेंटेशन है। सो लार्ज टेक्स्ट साइज, रिमेंबर दिस। थर्ड, आई कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, आई कॉन्टैक्ट। इफ यू डोंट मेक आई कॉन्टैक्ट, सो योर डिस्कशन विल बी ब्रोकन डाउन, राइट? आपका डिस्कशन पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू मेक अ ग्रेट आई कॉन्टैक्ट। आपको बहुत अच्छा तरीके से आई कॉन्टैक्ट करना है जब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं अपने राइट हैंड से लिखता हूँ, राइट हैंड से भी एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा आपसे। अंडरस्टूड? तो मैं क्या करूँगा कि अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करूँगा एज अ पॉइंटर और आपकी तरफ देख के बोलूँगा। सो यूज योर हैंड्स एज अ पॉइंटर, यूज योर हैंड्स एज अ पॉइंटर, एज अ पॉइंटर। तो मैं आपको देख के बोल रहा हूँ, तो आप मेरे से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूँ, यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर, लार्ज टेक्स्ट साइज, आई कॉन्टैक्ट, कुछ समय बाद आप वीडियो को स्वाइप कर दोगे, देखोगे ही नहीं। यही होता है प्रेजेंटेशन के हमारे अंदर, जब हमारे पास नॉलेज तो होती है लेकिन हम उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से लोगों को बता नहीं पाते, देन पीपल डोंट लिसन अस, राइट? सो ऑलवेज मेक अ ग्रेट आई कॉन्टैक्ट इन योर प्रेजेंटेशन। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज गोइंग टू बी, यू हैव टू बी स्लो बट क्लियर। याद रखिएगा, बी स्लो बट
क्लियर. आपको स्लो बोलना है, ठीक है, स्लो बोलो लेकिन क्लियर बोलना है. ज़्यादा फास्ट अपने प्रेजेंटेशन को मत दीजिए. मैं ऐसे भी तो बता सकता था कि यूजर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर, लार्ज टेक्स्ट साइज, आई कॉन्टैक्ट, बी सो स्लो बट क्लियर. तो आपको उतना अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता, वो फील नहीं होता वर्ड, समझ रहे हो. वेन एवर यू गिविंग योर प्रेजेंटेशन, बी स्लो, स्पीक स्लोली, मेक देम अंडरस्टैंड, राइट, लेट देम अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर यू आर टेलिंग. स्पीक स्लोली, स्पीक क्लियरली, अंडरस्टूड. So always be slow but clear in your presentation. I hope you understood this. Let me talk the last but not the least point. Tip number 5 is recap. Recap. This is going to be great for you. For example, my slide is full. ये मेरी slide full हो गई. अब मुझे second slide पे jump करना है. I have to jump on the second slide. तो मुझे करना क्या है? Recap कर देना है. जैसे serial वगैरह में क्या होता है? मान लीजिए कि कल का episode मेरा छूट गया किसी serial का. तो मैं क्या करूँगा कि मैं जब स्टार्ट करूँगा ना, तो उसमें एक रिकैपिंग चलती है. रिकैप करता है कि कहानी अब तक आपने देखा, राइट, अब तक आपने देखा भाई साहब ये चीज़ें हो चुकी हैं. एक रिकैप करता है, ठीक है, उसको फिर से बताते हैं. तो हमें समझ में आता है, अच्छा अच्छा ये होता, आज ये चलेगा. सेम वही चलना है कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले, रिमेंबर ऑलवेज बिफोर जंपिंग ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड यू गॉट रिवाइज द प्रीवियस स्लाइड. तो आपको इस स्लाइड को पहले रिवाइज कर दो ताकि उनके माइंड में इसका एक चैप्टर बना रहे, फिर आप इसके आगे बात करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो आप इस ऐसे ही रिकैप कर सकते हैं. रिकैप करने में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है, बस एक बार रिवाइज करा देना है. जैसे देखिए, लेट्स रिकैप दिस स्लाइड. यूज योर अपोजिट हैंड एज अ पॉइंटर. नंबर 2, वी टॉक्ड लार्ज टेक्स्ट साइज. यूज ऑलवेज लार्ज टेक्स्ट साइज इन योर प्रेजेंटेशन. नंबर 3, वी टॉक्ड eye contact, there should be a great eye contact in presentation. And number 4, we talked about be slow but clear, don't speak very faster. And then 5th, we talked about recapping. So recap every time. I hope you understood these 5 tips.